इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। देश यकीनन गलत दिशा में जा रहा है। गलत दिशा में इसलिए जा रहा है कि हमने सत्ता से सवाल करना छोड़ दिया है। हमारे दिलों में डर है, खौफ है, हम सवाल नहीं करना चाहते। और जब डर और खौफ किसी को लेकर हमारे दिलों में घर कर जाता है तो लोकतंत्र खतरे में आता है। यह भी सच्चाई है कि अगर आप सत्ता से सवाल करोगे तो हो सकता है कि तुम्हें देशद्रोही कहा जाएगा। इसके बावजूद सवाल करना होगा, वरना आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। आने वाली पीढ़ी गूंगी बहरी पैदा होगी। जात पात धर्म की बुनियाद पर मुल्क तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकता। पर मौजूदा सरकार आखिर किस दिशा में देश को ले जा रही है समझ में नहीं आ रहा। हाल ही में जो मॉब लिंचिंग को लेकर 50 इल्मी दानिश्वरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला खत लिखा था, ये भी कैसा दौर आ गया इस लोकतंत्र में, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, कि उन 50 इल्मी दानिश्वरों पर मुकदमे दायर किए गए और वो भी देशद्रोह के, राजद्रोह के। धर्म विशेष को गोरक्षा के नाम पर पीटना क्या सही हो सकता है? किसी धर्म विशेष को गोमांस को लेकर भीड़ के जरिए कत्ल किया जा रहा है, जबकि भारत मोदी सरकार में सबसे बड़ा बीफ निर्यात करने वाला देश है। ताज्जुब तो यह है कि सभी गैर मुस्लिम है, यानी जो भी ये गोमांस एक्सपोर्ट करें यानी निर्यात करें वो लोग सभी गैर मुस्लिम है। इसी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि गोमांस के नाम पर मुसलमानों का कत्ल जायज नहीं है। अरब इन्हीं विचारवंतों का यानी इन्हीं इल्मी दानिश्वरों को देश विरोधी ठहराया जाता है, या फिर अगर आंखों में आंखें डालकर बात करने की कोशिश की जाएगी तो फिर तुम्हें ईडी और आईटी के नोटिस थमा दिए जाएंगे। हम सभी जानते हैं कि किस तरह कदर एक डर का माहौल भारत देश में फैलाया गया है। ईडी आईटी के पीछे लगाया जाना, विदेश यात्रा के जरिए देश के अरबों रुपये खरबों रुपये खर्चा कर प्रधानमंत्री ने देश में तो कुछ भी विदेशी निवेश अब तक तो भारत में नहीं लाया। जब से मोदी सरकार आई है दिन ब दिन रुपया गिरता जा रहा है, रोजगार ठप हो चुका है, जीडीपी जमीन में धंसी हुई है, बेरोजगारी अपने तारीखी मियार को छू चुकी है। पर प्रधानमंत्री मोदी की शान में कसीदे कसने से भारतीय मोदी मीडिया, जो भारतीय गोदी मीडिया थकती नहीं है। देश में आर्थिक मंदी का जबरदस्त दौर जारी है, हुकूमत के तमाम योजनाएं नाकाम हो चुकी है, पर गोदी मीडिया को सवाल पूछने के बजाय नेहरू और गांधी को जिम्मेदार ठहराती है। $5 ट्रिलियन तक अर्थव्यवस्था ले जाने वाले ये लीडर और कायद, इन्हें ट्रिलियन में कितने जीरो होते उसका भी पता नहीं। सवाल पूछने से इसलिए डर लगता है कि कहीं हमारा भी नंबर जेल जाने वालों में न लग जाए। राफेल की फाइलें गायब होती है पर सरकार को एनआरसी के नाम पर जनता से भारतीय होने के कागजात जरूरी हैं, वो पूछताछ कर रही है और एनआरसी को लागू करने की दिशा में उनका कदम भी बढ़ाओ। देश मुख्तलिफ मसाइल से जूझ रहा है पर देश की जनता को गुमराह करने के लिए नई नई तरकीब मोदी हुकूमत निकाल रही है। नोटबंदी जीएसटी ने पूरे कारोबारियों का, ताजिरों का बेड़ा गर्क कर दिया, पर सरकार दोनों योजनाओं को, दोनों स्कीमों को कामयाब साबित कर रही है। ट्रिपल तलाक एक सामाजिक मसला था जिसे मुसलमानों का अपना पर्सनल लॉ है, जो काबिल है वो इस मसले को निपटने के लिए, इस मसले को हल करने के लिए और मजबूत भी है, पर इस बिल को जबरदस्ती मंजूर कर गोया बहुत बड़ी जंग जीतने की तरह सरकार की कामयाबी बताएगी। दरअसल इसे मुसलमानों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब एनआरसी के जरिए देश को गुमराह करने की साजिश चली जा रही है। देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि देश का गृह मंत्री बंगाल में यह ऐलान करता है कि मुसलमानों को छोड़कर सभी को इस देश की नागरिकता दी जाएगी, फिर वह बांग्लादेशी या पाकिस्तानी या नेपाली हो। यह देश की जमहूरियत के साथ एक भद्दा मजाक ही नहीं, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को पैरों तले रोंदना है। आखिर जोर जबरदस्ती और जुल्म जाति के बिना पर हुकूमत कितना दूर जा सकती है? देश के अकलियतों को परेशान कर क्या वाकई देश तरक्की कर सकता है? क्या वाकई हिंदू राष्ट्र बनाने से तमाम मसले हल हो जाएंगे और हम विश्व गुरु बन जाएंगे? हमारी जनता से यही अपील है कि सरकार से सवाल करे, सत्ता से सवाल करे, वरना तुम्हारी खामोशी की कीमत कहीं आने वाली नस्ल को भुगतना ना पड़े और वो कहीं गूंगी और बहरी न बन जाए। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।